चलो तो हमने कहा क्या कि एक स्टेज आएगी जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो बनने लग जाएगा। अब सुनो, जब एम्ब्रियो बनेगा और वो यूट्रस तक पहुंचेगा तो वो यूट्रस की वॉल में आके धस जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि चॉकलेट की बॉल जेली में गिर गई, आया समझ में? तो वो उसमें धस जाती है। आ रही बात समझिए? ये जो प्रोसेस होता है जिसमें एक एम्ब्रियो यूटेराइन वॉल में एम्बेड हो जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है? सो व्हेन एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल, द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? इम्प्लांटेशन। एक बार जाइगोट जो है वो इम्प्लांट हो गया, एक बार अगर जाइगोट क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, तो जो मदर की यूटेराइन वॉल है, जो मदर की यूटेराइन वॉल है और जो बॉडी और जो जाइगोट है, इन दोनों के बीच में एक टिश्यू डेवलप होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है बेटा? एक टिश्यू होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? एक डिस्क शेप का टिश्यू होता है जो किसके बीच में डेवलप होता है? जो मदर और डेवलपिंग एम्ब्रियो, मदर के यूटेराइन वॉल और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में क्या होता है? डेवलप होता है, जिसमें एम्ब्रियो की साइड पे, अगर ये एम्ब्रियो है तो इसकी साइड पे क्या होगी? विलाय होगी। और मदर की साइड पे ब्लड स्पेसेस होगी। मदर की साइड पे क्या होती? ब्लड स्पेसेस। मतलब समझो, ये ब्लड स्पेसेस है, ये विलाय है और ये एम्ब्रियो है, और ये क्या है? एम्ब्रियो। प्लेसेंटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आने वाला है, छप चुका है। आज तक कभी नहीं हुआ कि एग्जाम में प्लेसेंटा पे क्वेश्चन नहीं आया। तो जब तुमसे पूछा जाएगा कि प्लेसेंटा क्या होती, कैसे होती, क्यों होती है, तो मैं लिखना है ये एक डिस्क शेप का टिश्यू होता है जो यूटरस और डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में बनता है, जिसमें एम्ब्रियो साइड पे विलाय होती है और मदर की साइड पे ब्लड स्पेसेस होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मदर की बॉडी से ग्लूकोज ऑक्सीजन किसको दे? डेवलपिंग एम्ब्रियो को दे, और डेवलपिंग एम्ब्रियो की बॉडी में जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो सब मदर को दे दे, सो दैट वो मदर की बॉडी से क्या हो जाए? एक्सक्रीट हो जाए। आ रही है बात समझ में? ब्लड ब्लड सेल्स। आई बात समझे? इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि अब्सॉर्प्शन आसानी से हो। विलाय इसी के लिए होता है। आगे जाए, बोलो, कोई परेशानी? चलो, तो अब क्या हुआ? बच्चे का कनेक्शन हो गया मदर से। अब मदर की बॉडी में जितने न्यूट्रिएंट्स आएंगे वो सब किसके पास जाएंगे? डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास जाएंगे, ठीक है ना? अब ऐसे में क्या होता है, बच्चे को 9 मंथ का पीरियड लगता है डेवलप होने में इनटू अ फीटस। द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ड्यूरिंग विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स टू फॉर्म अ फीटस इज नोन एज व्हाट? जेस्टेशन पीरियड। इज नोन एज व्हाट? तो अगर तुमसे पूछे कि जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो इट इज द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स ड्यूरिंग विच एन एम्ब्रियो गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ फीटस, ठीक है ना? जो पहले 3 महीने होते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, उसमें बच्चे के सारे वाइटल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। वाइटल मतलब उसे जिंदा रखने के लिए जरूरी, जैसे कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी लंग्स, उसकी किडनी, ठीक है ना? फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें बच्चे के फीचर्स डेवलप होते हैं, जैसे कि उसके फोर लिम्स, उसके हाइंड लिम्स, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, टिश्यूज और मसल्स, ठीक है ना? 7th मंथ तक, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग तक, बच्चा का बेसिक डिजाइन रेडी होता है, मतलब सही है, बन गया। उसके बाद 8th और 9th मंथ में उसकी फिनिशिंग होती है, बॉडी हेयर आना, स्किन की लेयर्स थिक होना, नेल्स आना, आईब्रोज आना, ये सारी चीजें कौन सी मतलब होती है? लास्ट ट्राइमेस्टर में। आ रही बात समझ में? एक बार बच्चा पूरा रेडी हो गया विथ फिनिशिंग, ठीक है ना, तो मदर की जो बॉडी रहती है उसकी यूटेराइन वॉल कॉन्ट्रैक्शंस करना स्टार्ट करती है, जिसको हम लोग कहते हैं दैट द वुमेन इज गोइंग इनटू लेबर। लेबर मतलब क्या? अब उसको बहुत मेहनत करनी है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, ठीक है? तो जो बच्चे का हेड होता है वो इस सर्विक्स को पुश करने लगता है। जो बच्चे का हेड होता है वो इस सर्विक्स को क्या करता है? पुश करने की कोशिश करता है। सर्विक्स 0 सेंटीमीटर पे होता है, ये डायलेट हो के कितना आता है? 10 सेंटीमीटर पे आता है। इस 10 सेंटीमीटर डायलेशन पे
बच्चे का हेड बाहर आने लगता है और फिर खींच के उसको निकाल देते हैं। आई बात समझ में? बोलो कोई परेशानी?